फाइनल दोस्तों, यहाँ पर राज्य सरकार और केंद्र सरकार के द्वारा पीएम सूर घर मुफ्त बिजली योजना पर मुहर लग चुकी है। अब आप इसमें जो है आवेदन कर जो है 300 यूनिट फ्री बिजली मुफ्त पा सकते हैं, साथ ही सोलर पैनल आप अपने छत पर लगवा सकते हैं और इसमें काफ़ी सब्सिडी आपको मिलने वाली है। तो कितने किलो वाट पर कितनी सब्सिडी आपको यहां पर इस स्कीम के तहत दी जाएगी, पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखें ताकि आपको इस योजना की जानकारी समझ में आ जाए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं दोस्तों। अगर आपने हमारे चैनल पहली बार विजिट किया, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा। तो एक न्यूज़ पत्र के माध्यम से दोस्तों यहां पर क्लियर हो जाते हैं, यहां पर 300 यूनिट फ्री बिजली स्कीम पर मोदी कैबिनेट ने लगाई मुहर, आप भी उठा सकते हैं इस योजना का लाभ। तो इसमें देख सकते हैं कि पीएम मोदी ने 13 फरवरी को ही पीएम सूर्य घर योजना लॉन्च की थी। इसके तहत लाभार्थियों को 300 यूनिट फ्री बिजली मिलेगी और अपने घरों की छत पर सोलर पैनल लगवाने के लिए जो है लोगों को सब्सिडी भी इसमें दिया जाएगा। तो ये न्यूज़ है दोस्तों, देख सकते हैं 1 मार्च 2024 की। तो इसमें देख सकते हैं कि मोदी सरकार की कैबिनेट ने देश के 1 करोड़ से ज़्यादा परिवारों को फ्री बिजली मुहैया कराने वाली पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना को अपनी मंजूरी दे दी है। गुरुवार को हुई कैबिनेट की बैठक में इसे हरी झंडी दिखा दी गई है। इसकी जो जानकारी केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान शेयर की है, यानी लोगों को सोलर सब्सिडी स्कीम के तहत 300 यूनिट फ्री बिजली मिलने का रास्ता क्लियर हो गया है। अब इस स्कीम के तहत जो है 75,021 करोड़ रुपए खर्च होंगे, यानी कि जो 1 करोड़ से अधिक घर परिवारों को अगर इस स्कीम के तहत लाभ दिया जाएगा तो इतने करोड़ रुपए जो है सरकार की तरफ से उन्हें सब्सिडी दी जाएगी। इसमें देख सकते हैं गुरुवार को केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आयोजित कैबिनेट बैठक में पीएम सूर्य घर योजना को मंजूरी दी गई। उन्होंने आगे बताया कि मुफ्त बिजली योजना के तहत देश के 1 करोड़ परिवारों के घरों पर सोलर पैनल लगाए जाएंगे और इस पूरे प्रोजेक्ट पर केंद्र सरकार कुल 75,021 करोड़ रुपए खर्च करेगी। इसके अलावा हर जिले में मॉडल सोलर विलेज भी डेवलप किए जाएंगे। अब इसके साथ ही केंद्र सरकार ने इस योजना में अपने घरों की छत पर सोलर पैनल लगवाने वाले लोगों की लागत की बोझ को कम करने के लिए मद्देनज़र सब्सिडी भी भेजने के प्रावधान किया गया है। रूफटॉप सोलर पैनल के लिए अप्लाई करने वालों को 1 किलोवाट के पैनल के लिए 30,000 रुपये और 2 किलोवाट के लिए 60,000 रुपये की सब्सिडी मिल सकती है। दोस्तों यहाँ पर अगर आप 1 किलोवाट यहाँ पर लगवाते हैं सोलर पैनल तो इसमें आपको सब्सिडी 30,000 रुपये मिलेगी, अगर 2 किलोवाट लगवाते हैं तो 60,000 और यहीं, जबकि आप अगर 3 किलोवाट या फिर 3 किलोवाट से अधिक की सोलर पैनल रूफटॉप यहाँ सिस्टम लगवाते हैं तो उसके लिए आपको 78,000 रुपये की सब्सिडी मिलेगी। तो पूरी डिटेल देखिए, एक मैं आपको ग्राफ के जरिए समझाता हूँ, इसमें पूरी डिटेल आपको समझ में आ जाएगी। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं मेरे पास एक जो है ऑफिशियली साइड से ली गई स्क्रीनशॉट है, इसमें आप देख पाएंगे पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना निजी आवासों में ग्रिड कनेक्टेड रूफटॉप सोलर पावर प्लांट, केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा अनुमानित संयंत्र लागत एवं अनुदान उपरांत उपभोक्ता का व्यय कितना होगा। अब इसमें देखिए थोड़ी सी जूम करेंगे यहाँ पर, तो इसमें आप देख पा रहे होंगे कि इसमें देखिए संयंत्र की क्षमता 1 किलोवाट अगर आप लगवाते हैं तो केंद्र सरकार के द्वारा आपको यहाँ पर 30,000 रुपये, राज्य सरकार के अनुदान में 15,000 रुपये और कुल अनुमान हो जाता है यहाँ पर 45,000 रुपये। और संयंत्र की अनुमानित लागत यानी कि जो यहाँ पर सिस्टम लगेगा उसकी अनुमानित लागत जो होगी वो 65,000 होगी। इसमें जो है आपको कितना देना होगा, आप इसमें देखिए उपभोक्ता का प्रभावी अंशदान सिर्फ आपको 20,000 रुपये इसमें आपको देने होंगे और बाकी के रुपए 1 किलोवाट के लिए इतने लागत लग रहे हैं, इनमें से जो है केंद्र सरकार और राज्य सरकार मिला करके 45,000 रुपये आपको सब्सिडी मिल जाएगी और इसमें जो है सिर्फ आपका अंशदान रहेगा, जो आपका मेन रुपया लगेगा ये 20,000 रुपये आपको सिर्फ इसमें देने होंगे। वहीं 2 किलोवाट के लिए दोस्तों इसमें देख सकते हैं 60,000 की केंद्र सरकार के माध्यम से अनुदान है, वहीं 30,000 जो है इसमें राज्य सरकार का अनुदान है और इसमें कुल जो हो जाता है वो 90,000 हो जाता है और इसमें संयंत्र की कुल अनुमानित लागत जो बैठेगी वो 1,30,000 रुपये बैठेगी। इसमें आपको सिर्फ जो है अपना अंशदान जो देना है अपना यो 40,000 रुपये आपको देना है, बाकी के 90,000 रुपये आपको सरकार के माध्यम से मिल जाएगी। वहीं दोस्तों अगर 3 किलोवाट की बात करें, अगर आप 3 किलोवाट लगवाना चाहते हैं या उसके ऊपर लगवाना चाहते हैं तो इसमें देख सकते हैं 78,000 केंद्र सरकार के माध्यम से सब्सिडी यहां पर दी जाएगी और राज्य सरकार के माध्यम से यहां पर आपको 30,000 रुपये दिया जाएगा। टोटल मिला के यहाँ पर 1,08,000 आपके यहाँ पर हो जाते हैं, इनमें से
टोटल लागत जो लगेगी इस पूरे 3 किलोवाट के सिस्टम को लगाने में वो लगेगी 1,80,000 रुपये। इसमें से सिर्फ आपको देखिए 72,000 रुपये आपको देना होगा और बाकी के यहाँ पर 1,08,000 रुपये जो है सरकार के दोनों जो है केंद्र और राज्य सरकार मिलाकर के आपको सब्सिडी के रूप में दे दिया जाएगा। सेम इसी प्रकार से आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं दोस्तों। इसमें देख सकते हैं 4 किलोवाट, 5 किलोवाट, 6 किलोवाट, 7, 8, 9, 10 किलोवाट तक के उसके ऊपर यानी कि 3 किलोवाट के ऊपर लगवाते हैं तो आपको 78,000 ही रुपये देखिए उसमें जब से न्यूज में बताया भी गया था कि 78,000 इसके ऊपर अगर आप लगवाते हैं तो 78,000 रुपये की सब्सिडी जो है सरकार के माध्यम से आपको दी जाएगी और जो उसकी कुल लागत होगी केंद्र और राज्य सरकार के अंशदान को मिला करके काटने के बाद जो शेष रहेगा उसे आपको जमा करना होगा जो कि इस ग्राफ में आप देख सकते हैं यहाँ पर दिया गया है। तो इस योजना में आवेदन कौन लोग कर सकते हैं? इस योजना का लाभ उठाने के लिए आवेदक को भारत का निवासी होना चाहिए। इसके साथ ही खुद के आवास वाले गरीब और मध्यम आय वाले परिवार इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। यहाँ तक की बात ये ध्यान रखना जरूरी है कि सरकार की ओर से मिलने वाली सब्सिडी पाने के लिए आपको एक जो है यहाँ पर देख सकते हैं रखना ज़रूरी है कि उस मिलने सरकार की ओर से मिलने वाली सब्सिडी पाने के लिए आपको एक ज़रूरी काम करना होगा। नेट मीटर इंस्टॉल होने के बाद डिस्कॉम की तरफ से जांच के बाद पोर्टल से जो है आपके लिए कमीशनिंग सर्टिफिकेट जारी कर दी जाएगी। तो ये सर्टिफिकेट जब जारी हो जाएगा उसका मतलब ये होगा कि आप जो है इस योजना के तहत अप्लाई कर चुके हैं लेकिन सब्सिडी लेने के लिए आपको एक डॉक्यूमेंट अपलोड करना होगा। सर्टिफिकेट के जरिए जारी होने के बाद पोर्टल पर बैंक अकाउंट डिटेल और कैंसिल चेक सबमिट करना होगा। इसके बाद आपके बैंक अकाउंट में सब्सिडी भेजी जाएगी। देखिए अप्लाई करने के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने के लिए दोस्तों आपको इसके ऑफिशियल साइट पर विजिट करना होगा। ऑफिशियल साइट का लिंक देखिए इस तरीके से आपको मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिस्ट में। इसको अप्लाई करने के लिए इस लिंक पर आएंगे यहाँ पर, तो इसे अप्लाई फॉर रूफ टॉप सोलर यहाँ पर दिया गया है, इस पर क्लिक करके आप जो है यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे रजिस्टर्ड हियर का ऑप्शन दिया गया है। कितने स्टेप आपको फॉलो करने हैं सब कुछ यहाँ पर बताया गया है। आप इस फॉलो करके आप जो है इसे रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आप चाहें तो ये रजिस्ट्रेशन आप अपने नज़दीकी जो है पोस्ट ऑफिस के माध्यम से भी करा सकते हैं, वहाँ से भी ये सिस्टम चालू हुआ है। 8 मार्च तक जो है आप पोस्ट ऑफिस के जरिए इस योजना के तहत ऑनलाइन आवेदन करवा सकते हैं और अन्यथा आप अपने जनसेवा केंद्र सीएससी सेंटर से भी ये अप्लाई कर सकते हैं, खुद से भी ये अप्लाई यहां से आप कर सकते हैं। तो इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई तो लाइक कीजिएगा, साथ ही अगर हमें कोई सवाल है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं।